नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया है ये क्या संकेत। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 4:35 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में होने वाला है बहुत ही बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, एक शब्दों में कहें तो यशमित 33 गोटी देवी देवताओं का चमत्कार आप सभी के जुनकाल में शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 4:35 के उपरांत आप सभी का जीवन बिल्कुल ही राजा जैसी होने वाली है। अब आप सभी को कष्टों से मुक्ति प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बशर्ते आप सभी को इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपको 3 ऐसी जगह है जहाँ से भारी धन लाभ प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ ऐसे शुभ समाचार, कुछ ऐसी कामयाबी और कुछ ऐसी बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली हैं। इससे दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब आप ये घटनाओं को अपनी आँखों से देखेंगे दोस्तों, आपकी सांसें अटक जाएंगी। कुछ इस प्रकार की बड़े ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों वो कहते हैं कि जिनके भी जीवन काल में ईश्वर का आशीर्वाद होता है दोस्तों, उनका कोई भी इंसान बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और जब ईश्वर किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उनका विनाश करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि इसी प्रकार तो भगवान हमेशा दैत्य दुश्मनों का संहार करते हैं। और दोस्तों अब आप सभी के जुनकाल से आपके शारीरिक शत्रुओं का संहार होने वाले हैं। अब आप सभी का आने वाला रोशन सवेरा होगा। आज शाम से आप सभी के जुनकाल में बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जुनकाल में ये घटना क्यों हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना होने के पीछे क्या रहस्य है दोस्तों, सारी बातें आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप हर एक बातों को समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वीडियो का शीर्षक ही देख लिए और आप वीडियो को स्किप कर करके वीडियो को देखे हैं और आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जब तक आप सभी बातों को गहरी तरीके से नहीं समझेंगे तो आप खुद को ही अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके लिए कोई मामूली समय नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका वह समय आ रहा है जहाँ पर आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है, जहाँ पर आपको सभी संकटों का निदान देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी का जीवन राजाओं की तरह होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज शाम से आप सभी की कुंडली में, आप सभी के ग्रह गोचर में बड़ा ही बदलाव हो रहा है। दोस्तों यश में ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप सभी के साथ रहने वाले हैं और ग्रहों की स्थिति भी आप सभी के सहयोग में रहने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों यश में आप सभी की राशि में धनियों के साथ साथ बहुत अच्छे महत्वपूर्ण राजयोग का भी निर्माण होने वाले हैं। दोस्तों पहला राजयोग है गजकेसरी नाम का राजयोग, आयुष्मान नाम का राजयोग और दोस्तों इसके उपरांत ही आयुष्कृति नाम का राजयोग का निर्माण आप सभी की कुंडली में यश में होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जुनकाल में यश में धन वैभव सुख संपत्ति सब कुछ प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों आयुष्कीर्ति नाम के योग में आप सभी के जुनकाल से जो भी आपके शत्रु है उनका विनाश होने का संकेत दर्शाता है। और दोस्तों इन योग का निर्माण होना दोस्तों ब्रह्मांड के सभी देव देवताओं का आशीर्वाद भी आप सभी के ऊपर रहने वाला है। जी दोस्तों, यश में ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है कि आप सभी के जुनकाल में कुछ बड़ा बदलाव होने वाले हैं, जिन्हें आपने अभी तक अपने आंखों से नहीं देखे थे दोस्तों, वो बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप सभी दर्शक बहुत ही ऐसे अपने आप में देखेंगे कि ऐसी बातें तो बहुत सारे लोग YouTube पर बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि बातें सबके होते हैं, लेकिन दोस्तों कर्म आपका होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो दोस्तों खुद पर भरोसा आपको रखना होगा और ईश्वर पर भरोसा रखकर आपको अपने जुनकाल में कार्य करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, और आज शाम से हम जो बड़ी सावधानी आप सभी को बताने वाले हैं उन सावधानी को आपको भूल कर भी नहीं भूलना है, और जो बड़े महत्वपूर्ण खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है दोस्तों, उनसे आप बिल्कुल भी वंचित नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों,
हम आप सभी को बता दें कि यह घटना आप सभी के जीवनकाल में क्यों हो रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में जो आपके ग्रहों की स्थिति है पहले से दो गुण स्थिति में आपको लाभ देने वाली है, कि दोस्तों यश में आप सभी के कर्मों का घड़ा फूटने वाले हैं। यश में साक्षात ईश्वर का परम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाला समय होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जब भक्त के जीवनकाल में ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं तो उस भक्त को खुश करने के लिए ईश्वर बहुत सारे संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि कई बार तो ईश्वर साक्षात किसी भेष बदल कर आ जाते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं, अपने भक्त को दर्शन देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में भी वह समय आ गया है जब आज शाम से आप सभी को कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण संकेत मिलने वाले हैं जहाँ पर ईश्वर का साक्षात आप सभी को दर्शन प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और यह समय से जो बड़े ग्रहों की स्थिति बनने वाली है इनके अनुसार आप सभी का पूरा जीवन बदलने वाला समय होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आपको भूल कर भी कुछ महत्वपूर्ण गलतियों को नहीं करना है जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में हमेशा परेशानी आती है। जी हाँ दोस्तों, इन बातों का अगर आप अपने जीवन काल में ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आने वाला जो भी समय होगा वे आपके लिए सबसे सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के व्यापार, आप सभी के जो भी धन का क्षेत्र है उनमें लाभ की स्थिति बढ़ने वाली है, तेजी से लाभ आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी का जीवन जो भी कठिन समय चल रहा था, चाहे आपके व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे आपका कोई कारोबार का क्षेत्र हो, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ से आप पैसे कमा रहे हैं, दोस्तों उस क्षेत्रों से आप सभी को सभी प्रकार की समस्याओं का निदान देखने को मिलेगा और आप सभी का कार्यभार यश में तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आप अपने हाथों से कुछ महत्वपूर्ण गलतियों को भूल कर भी मत कीजिएगा, इनसे हमेशा आपको नुकसान हुआ है और आने वाले समय में भी नुकसान होगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला गलती आपके हाथों से यह होता है कि जब भी आप थोड़े से भी पैसे कमाते हैं दोस्तों उन पैसों को आप व्यर्थ के खर्चों में लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण गलती आप सभी के जीवनकाल की यही होती है कि बिना जाने बिना बूझे आप पैसे को कहीं पर लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के ऊपर भरोसा करके आप पैसे लगा देते हैं। इसके उपरांत ही हम आप सभी को यह बात बता दें कि यदि आप रात्रि में कोई सपना देखते हैं और सुबह तक वह सपना आप सभी को याद आता है और वह सपना शुभ है तो इनके बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वह सपना सत्य होगा और उन सपना में होने वाली जो शुभ घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। आपने कोई बुरा सपना देख लिया है, कोई दुर्घटना वाली सपना देख लिया है तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऐसे सपने के बारे में आप किसी दूसरे को व्यक्ति को भी बता सकते हैं। ऐसा करने से आप सभी का जो दुर्घटना है वह टल जाएगा। और अगर आप कोई भी दान धर्म कर रहे हैं, किसी को भी पैसे दे रहे हैं, किसी को आप मदद कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसे कार्य को आप किसी को भी ना बताएं, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो उनका फल, उनका पुण्य का फल आप सभी को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत हम आप सभी को आगे बताएंगे कि जो ग्रहों की शुभ स्थिति बनने वाली है आज शाम से आप सभी के जीवनकाल में कौन से महत्वपूर्ण खुशखबरी आप सभी को देने वाली है। उससे पहले दोस्तों हम आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण गलतियाँ बताते हैं जिनका आपको अपने जीवनकाल में ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सभी के जीवनकाल में कोई भी संकट, कोई भी समस्याएँ नहीं आने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी की राशि वाले ज़्यादा कर्मशील होते हैं और आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की हमेशा विशेष कृपा रहती है, इसलिए आप सभी को कभी भी अपने जीवनकाल में औरत का अपमान नहीं करना है। आप लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्र से ही घर में माता लक्ष्मी का वास औरत में ही माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या फिर आपकी पत्नी हो, आपकी प्रेमिका या फिर आपके पुत्री समान कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको अब खास तौर पर ध्यान रखना होगा। जितना तक हो सके आप सभी का सम्मान करें,
जी हाँ दोस्तों, इनसे आप सभी के जीवनकाल में लाभ की संभावनाएं और बढ़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, इनसे माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आप सभी के ऊपर बना रहेगा। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना भी आज से ही आप बंद कर दें। दुर्व्यवहार बिल्कुल ना बोलें, अशब्द बिल्कुल ना बोलें। जी दोस्तों, आपको उल्टा ही नुकसान होगा। और अगर आप किसी स्त्री का अपमान करेंगे, अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करेंगे, तो आपके जीवन में कितना भी धन रुपया पैसा क्यों ना आ जाए, तब भी आप परेशान ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपके हाथ से धन किसी ना किसी बहाने में, किसी ना किसी विघ्न बधाई में खर्च हो जाएंगी। और दोस्तों, कंगाल होने में आपको देर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि छोटे बच्चों में भगवान का वास माना जाता है, इसलिए कभी भी आप अपने घर में बच्चे को ना रुलाएं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बच्चे के ऊपर भूल कर भी आपको हाथ नहीं उठाना है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे को ना ही डराना है, ना ही धमकाना है। दोस्तों, इसे अगर आप करेंगे तो आप सभी के जनकाल से आप सभी का इष्ट देव रुष्ट हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि आपकी राशि वालों का जितने भी लोग हैं, सभी के इष्ट देव भगवान महादेव हैं। जी हाँ दोस्तों, और हमेशा भगवान भोलेनाथ आप सभी के जनकाल में आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे कार्य करेंगे तो आप सभी का पूजा कभी भी सफल नहीं होगा और कभी भी आपको लाभ उनमें नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप इन बातों का ध्यान आज से अपने जीवनकाल में अवश्य रखें। तो साथ ही हम आप सभी को बता दें कि कभी भी अपने जीवनकाल में बेईमानी का सोच ना रखें। चाहे आप किसी का एक भी रुपया उधार लिए हैं तो उस व्यक्ति को उसका पैसा वापस अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, बेईमानी की 1% भी भावना आप सभी के अंदर अगर हुई तो आपके जो इष्ट देव हैं भगवान भोलेनाथ हमेशा आप सभी के ऊपर नजर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। आपके हाथों से भी थोड़ी सी भी कोई गलती आप सभी को बड़े ही मौके से चूक करा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही मौके आप सभी के हाथ से छूट जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी का पेशा लिए हैं तो उस व्यक्ति को उसका पेशा वापस कर दें। अगर आप नहीं दे रहे हैं, आपके पास अभी पेशा नहीं है, तो उनको इस बात का आश्वासन अवश्य दीजिएगा कि हमारे पास अभी पेशा नहीं है, जब होगा तो हम आपको लौटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवनकाल में जब भी कोई संकट आता है और जब भी आप सभी के जीवनकाल में कोई बड़ी मुसीबत आता है, जब आपको कुछ रास्ते नहीं दिखने लगते हैं, तो दोस्तों आप कभी देखते हैं कि यह कार्य आप सभी का बन गया है या फिर आपको समस्याओं से मुक्ति मिल गया है। तो दोस्तों, यश में आप सभी के जीवनकाल में ऐसा कैसे होता है? दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमेशा आपके इष्ट देव आपके ऊपर नजर रखते हैं और जब आप चारों ओर से अपना परिश्रम करके थक जाते हैं, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि वश में ईश्वर आपका साथ देता है, आपका इष्ट देव आप सभी का साथ देता है और आपको समस्याओं से बाहर लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, और यश में भी आप सभी के जीवनकाल में बड़ा बदलाव हो चुका है, तो इन गलतियों को आपको अपने जीवनकाल में अब नहीं करना है। और दोस्तों, आज से आप सभी को कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन से बड़े बदलाव आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही अच्छे परिवर्तन होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जीवनकाल में अब बहुत ही ग्रह की अच्छी स्थिति बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवनकाल में राज्यों का तो निर्माण होगा ही, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में गुरु पुष्य और अमृत योग का निर्माण होने वाले हैं। शर्वा सिद्धि का भी योग का निर्माण होगा, धनलक्ष्मी नाम का योग का निर्माण होगा और गजकेसरी नाम का राजयोग, दोस्तों आयुष्मान नाम का राजयोग और आयुष्कीर्ति नाम का राजयोग का निर्माण आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं, जिनसे आप सभी की कुंडली का दिशा और आप सभी का दशा बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी को बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं और बहुत सारे कार्यों में बड़ी सफलताएँ मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आप सभी को 5 बड़ी खुशखबरी हर हाल में मिलकर रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नसीब वाला ही होगा जो आज के वीडियो को अंत तक देख पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखे हैं तो दोस्तों अंत तक और देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत ही नुकसानदायक होता है। आधे मझदार में फंसना व्यक्ति को हमेशा नुकसान ही कराता है। इसलिए दोस्तों, आगे आप देख लीजिए कि आप सभी के जीवनकाल में आज शाम से कौन कौन सी बड़ी घटना होने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से
आप शिवी के जुनकाल में भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों इनके कारण आप शिवी के जुनकाल में सभी ग्रहों की स्थिति आप शिवी के पक्ष में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप शिवी को बता दें कि आज शाम से लाभ के नए नए मौके आप शिवी के हाथ लगने वाले हैं और कई सारे ऐसे धन लाभ के अवसर में आप सफलताओं को भी प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन सभी को वहाँ पर सफलताएँ मिलने वाली हैं। नए नए मार्ग आप सभी के सामने आने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी के जीवन काल में लाभ के इतने सारे मौके आने वाले हैं जिनमें आप लाभ उठाना चाहेंगे तो दोस्तों आप थक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में समय के साथ जो भी ग्रहों की स्थिति है आपके पक्ष में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यश में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। जो भी परिस्थिति आप सभी के जीवन काल में पहले से चल रही थी दोस्तों अब उनमें सुधार होने वाले हैं और दोस्तों देखते ही देखते आप शिवी के जुनकाल में अब बदलाव होंगे। जी दोस्तों, आप शिवी को बता दी कि यश में आकाश में खुशी आप शिवी को मिलने वाली है। संतान के विदेश जाने संबंधित कार्यवाही भी अब शुरू होने वाली है। पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर जो भी योजना बना रहे हैं संतान के विदेश जाने संबंधी उनमें आप लग जाएं, क्योंकि दोस्तों समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जल्दी आप शिवी के सपने यश में पूरे होने वाले हैं और इस समय का आप अनुभव भी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के जो मेहनत है उनके अनुसार यश में आप सभी को आपकी मंजिल प्राप्त होगी। व्यस्तता के बावजूद भी आप अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। सफलताओं के झंडे यश में आप गाड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में कोई भी कार्य हो, कोई भी व्यापार हो, सभी में आप सभी को मन चाह लाभ मिलने वाले हैं। ग्रहों की चाल पूर्ण रूप से आप सभी के पक्ष में हैं। बस ध्यान रखें कि कोई भी कार्य बिना योजना बनाए आप ना करें या फिर किसी के भी बहकावे में ना करें। दोस्तों ये बात हमने आपको पहले भी बताई है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत हम आप सभी को बता दें कि आप जो भी योजना बनाकर कार्य करेंगे उनमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। घर परिवार का माहौल यश में बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सभी को बता दें कि सगाई संबंधी मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बनेगी। यश में दोस्तों बहुत ही अच्छा समय आप सभी के लिए साबित होगा। विवाह संबंधी चर्चाएं आप सभी के घर में चल सकती है। एक अच्छे जीवन साथी की तलाश आपके लिए पूरा होने वाला है। पिछले कुछ समय से यदि आपका मेहनत का फल आप सभी को नहीं मिला था तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब सारी मेहनत का फल आप सभी को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कोई भी अपने किसी प्रकार की कड़ी मेहनत की है, जी दोस्तों जिनका परिणाम अभी तक आप सभी के सामने नहीं आए थे, लेकिन दोस्तों अब आपका वह गुप्त तरीके से किया हुआ मेहनत का फल आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, यश में आपके जो भी रुकावटें हैं उन सभी को आप चीर कर सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आप सभी को बता दें कि सभी मुश्किलों में आप कामयाबी हासिल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, घर परिवार में संबंधों में मधुरता रहने वाली है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुछ बीती हुई नकारात्मक गलतफहमी यश में दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक गलतफहमियाँ जो भी किसी के अंदर थी वह दूर होंगी और घर परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाले हैं, खुशियां भरा वातावरण रहने वाले हैं। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दें कि संतान प्राप्ति के अचूक जातकों को यश में संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाले हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं जो भी लोग हैं संतान प्राप्ति के कुछ ऐसे योग बनेंगे जिससे आप सभी को संतान का सुख प्राप्त होने वाले हैं। थोड़ी सी सावधानी आप सभी को बता दें कि दोस्तों एक बात को आप ध्यान रखें, कभी कभी अति आत्मविश्वास आप सभी को कई प्रकार के परेशानियों में डाल देते हैं और ये आपके अति आत्मविश्वास ही आपके सारी परेशानियों का कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी को बता दें कि यह करने के बजाय आपको अपने कार्यों की, अपने योजनाओं की रूपरेखा बनाकर उसमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपनी वाणी पर मधुरता बनाकर रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अच्छा बोलें, किसी के भी बारे में गलत ना सोचें। ये आपके लिए और आपके राशि के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि आस पड़ोस में जो भी आपके संबंध हैं उन सभी से यश में आपको उचित दूरी बनाकर रखना है। थोड़ी सी दूर हो जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों आप शिव को बता दें कि विरोधी यश में आपके ऊपर हावी होने वाले हैं परंतु आपके समक्ष वह टिक नहीं पाएंगे।
यदि आप आत्मनिर्भर रहेंगे, अपनी सारी सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताएंगे, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे अगर बातें अपने अंदर आप सीमित रखते हैं तो आप सभी को कभी भी असफलता नहीं मिलेगी, हमेशा आपको कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सफलता आप सभी के कदम सुनने वाली है और आप हर जगह सफलता के झंडे गाड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको हम यह भी बात बता दें कि कोर्ट के संबंधी कोई भी आप सभी के मामले यश में फंसे हुए थे या फिर उनमें आप सभी का समय उलझ रहा था, तो यश में उनका परिणाम आ सकता है और यश में जो भी परिणाम होगा वे आपके पक्ष में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में संतान की गतिविधियों पर आपको पैनी निगाह रखनी हो की आवश्यकता पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को उचित मार्गदर्शन यश में मिलेगा, यश में आपके जीवन साथी का जो तलाश था वह पूरा होने वाला है। जी दोस्तों, यश में बच्चों की समस्याओं को लेकर जीवन साथी से कुछ मामलों में नोकझोंक रह सकती है, परंतु जल्द ही यह जो भी परेशानियां हैं, आपसी मतभेद है, वह दूर हो जाएंगी और जो भी नोकझोंक है, छोटी मोटी मनमुठाव है, ये सभी खत्म हो जाएंगे। बस आप सभी को इन्हें लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस दोस्तों, घर परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा, पति पत्नी में आपसी संबंध मधुर रहेंगे, मित्रों के साथ कोई पारिवारिक गेट टुगेदर होने की संभावना बन रही है। जी दोस्तों, आपके करियर व्यवसाय से जुड़ी यश में जो महत्वपूर्ण बात है, दोस्तों आप करियर में बहुत ही बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं, नौकरी संबंधी इंटरव्यू परीक्षा दिए हैं तो यश में आपको उनका फल मिल सकता है, उनमें आपको सफलताएँ मिलने वाली है और मन चाही नौकरी यश में आपके किस्मत में आने वाली है। जो भी बेरोजगार लोग हैं उन सभी को रोजगार की प्राप्ति होने वाली है और जो लोग कार्य कर रहे हैं उन सभी को कार्य बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि जो भी आप सभी के समक्ष यश में अवसर आने वाले हैं उन सभी को बिल्कुल ही ना छोड़ें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अपने बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे उनको प्रमोशन मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला समय होगा। यश में आप आजमा कर देख सकते हैं कि आपके मेहनत का जो भी परिणाम है वे आपके पक्ष में होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही जो लोग बिल्डर प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी बहुत ही अच्छे मौके हैं। उनके भी जीवनकाल में बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करने वाला कार्य सकता है जिनमें आपको बड़ा ही धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में आप अपनी महत्वपूर्ण फाइलों को दस्तावेज को इस्तेमाल कर रखें, आपके फाइल यश में चोरी होने की या फिर खोने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में आप किसी को भी पेशा धन उधार ना दें। दोस्तों जो घरों की स्थिति दर्शा रही है कि यश में आप सभी का पेशा फंस सकता है या फिर आप उन व्यक्ति की नज़रों में बुरे बन सकते हैं, तो यश में भूल कर भी ऐसी क्रिया आप सभी को अपने जीवन काल में नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं उनको अपने क्वांटिटी पर, अपने गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप सभी का व्यापार आने वाले समय में एक बड़ा ही रूप धारण करने वाले हैं और यश में किया गया मेहनत आप सभी को आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा फल देने वाले हैं, बहुत ही बड़ा मुनाफे यश में आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में जो भी आपकी दिक्कतें आ रही थी वह दिक्कतें धीरे धीरे समाप्त होंगी और दोस्तों समय आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बस आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा, कोई भी चीज़ों में आपको लापरवाही नहीं करनी होगी और जो भी फालतू के जो टेंशन है, जो चिंताएं हैं उनको अपने ऊपर नहीं लेना है। जी दोस्तों, हमेशा आपको मोटिवेशनल गाने सुनने हैं, सकारात्मक विचार अपने अंदर लाने हैं और दोस्तों मेडिटेशन करना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सभी को हमेशा जागरूक रहना है। इनसे दोस्तों अपने स्वास्थ्य को हमेशा ही संभाल कर रख पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता दें कि दोस्तों ऐसे में जो ग्रहों की स्थिति बनी है, जो ग्रहों में शुभियों का निर्माण है, इनके कारण दोस्तों आपको अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों यशमी आप सभी के जीवनकाल में ब्रह्मांड के सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। यशमी आप सभी के जीवनकाल में अच्छी घटनाएं होने वाली है, तो दोस्तों यशमी आपको अपने जीवनकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिनसे आपके घर से आप सभी का देवी देवता रुष हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना है। इनसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में सभी देवी देवताओं का वास होगा और घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी समाप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, बस आपको
अपने घर में इस बात का ध्यान रखना है और दोस्तों कभी भी अपने घर में हल्ला का माहौल बनाकर नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय और जो ग्रहण की स्थिति बनी है उनके कारण आप सभी के जीवन काल में कौन सी बड़े बदलाव होने वाले हैं उन सभी के बारे में हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।